गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रैवल द तड़का। हम हैं बड़ोड़ा में और आप देख सकते हैं पीछे हल्की हल्की सी सुबह हो रही है। एक्चुअली सुबह के 6 बज रहे हैं। हम जा रहे हैं बड़ोड़ा में, एक जगह है पावागढ़ करके, वहाँ एक टेम्पल है, तो वहाँ जा रहे हैं। अभी घर में सारे लोग सो रहे हैं और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जाए निकलते हैं और जल्दी वहाँ पहुँचते हैं और फिर जल्दी लौटने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं, तो मैं भी जाती हूँ, बैठती हूँ और चलते हैं फटाफट। बड़ोड़ा का मौसम भी ना अजीब है, दिन में बहुत गर्मी और सुबह सुबह बिल्कुल फॉगी, ठंडा सा वेदर, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सनराइज हो रहा है, एकदम गोल लालिमा। ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ पे ही हम लोग जा रहे हैं। गाइज, इधर पार्किंग का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, आज से रामनवमी, कल से एक्चुअली रामनवमी स्टार्ट हो गया है, तो और आज संडे भी है, इसलिए मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। 2-3 पार्किंग ऑलरेडी फुल है, फिर हम इसमें आए, इसमें भी फुल है। कैसे बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद यहाँ पे खड़ा करने के लिए मिला है। हमने जो है पार्किंग में अपना गाड़ी पार्क कर दिया है और यहाँ से बस लेके हमें 5 किलोमीटर्स और है वहाँ तक जाना है, तो अभी चलते हैं किसी बस में बैठते हैं जो अभी खुलने वाली है। अरे किसी में बैठिए फटाफट, जो खुलने वाली है उसमें। चलिए चलिए इसमें, चलिए इसमें, चलिए पापा इसमें। गाइस, समहाउ हम इस भीड़ में बस में भी चढ़ गए और बस में मुझे तो सीट मिल गई, पर ये खड़ा है। गाइज, अभी हम बस से उतर गए हैं और अभी शायद यहाँ पे रोपवे मिलेगा, रोपवे से जाना है। ये देखिए, ये है रोपवे का लाइन, और कितनी दूर तक गया है पीछे पता नहीं। तो गाइज, ये जो चैती नवरात्रि चल रहा है, ये उसका इतना पूरा भीड़ है, और आज सेकेंड डे है इसलिए इतनी ज्यादा भीड़ है। संडे भी है। हाँ, अभी हमें रोपवे में जाने का मौका मिला है, देखते हैं लाइन में तो लगे हुए हैं, कितने देर में नंबर आता है पता नहीं। अभी हम टिकट के काउंटर तक पहुंच चुके हैं। ये लाइन में क्यों, मैं रास्ते में ये शॉप था, इससे हमने पानी खरीदा क्योंकि बहुत जरूरत थी, बहुत गर्मी है। ये आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट हम लोग 1 आवर हो गया होगा और लाइन में ही लगे हुए हैं, और लाइन का भी नेवर एंडिंग लाइन है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। ये देखिए, ये ऐसे रोपवे में हम भी बैठ के जाएंगे और एकदम ये ऊपर तक जाना है, वहाँ लास्ट एंड तक। तो गाइस, ये देखिए, ये हम बैठ चुके हैं रोपवे में और अभी हमारा ये गेट बंद होने वाला है। ये हो गया गेट बंद। ये चलते रहेगा, रुकेगा नहीं, उसमें आपको उतर जाना है। कितनी ज्यादा भीड़ है, अभी यहाँ से भी बहुत ऊपर चढ़ना है, फटाफट चलते हैं, नहीं तो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। अभी और इतना हमें चढ़ के जाना है ऊपर तक। हम ऊपर पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल तक, अब दर्शन करते हैं।
पता नहीं अभी आगे भी लाइन है या नहीं। तो गाइस हमने जो है वो दर्शन अच्छे से, हमारा बहुत अच्छे से हो गया। पीछे मंदिर है और हमने दर्शन कर लिया है बहुत अच्छे से। और अभी हम यहाँ पे प्रसाद काउंटर में यहाँ लगे हुए हैं, प्रसाद लेंगे और निकल जाएंगे। ये हो गया हमारा प्रसाद और अब हम लोग जा रहे हैं वापस। एक्चुअली जो श्रद्धालु हैं, जो जिनको इस सीज़न में जैसे नवरात्रि चल रही है तो उनको अगर अभी दर्शन करना है या कुछ मन्नत है तो वो अभी आ सकते हैं। बाकी जो जस्ट घूमने के पर्पज़ से या जस्ट एक बार विजिट के लिए आए हैं वो ऑफ सीज़न में आएंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम रहेगी। तो गाइज़ अब हम आपसे नीचे चल के मिलते हैं। ऑल द वे रोपवे पकड़ने के लिए ये पूरा लाइन में जाना है और फिर नीचे उतर के पार्किंग तक जाना है, वहाँ से कार लेके जाना है। तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा तो मैं अब सीधे आपसे नीचे उतर के ही मुलाकात होगी आपसे। रोड भी दिख रहा है अभी फाइनली हमारी गाड़ी जो है इधर आ गई है। अभी हम यहाँ बैठेंगे और निकलेंगे घर के लिए। बहुत सुकून लग रहा है, दर्शन हो गया अच्छे से और अब चलते हैं घर।